फिर से कल पटना से चलकर जमुई तक भारतीय स्वर्ण समाज द्वारा जो रैला निकाला जा रहा है, क्या कुछ है इसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। यह बहुत बड़ा रैली है और भारतीय स्वर्ण महासंघ के द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसमें मैक्सिमम 36 संगठन जो इसमें नॉमिनेट हो चुके हैं और क्षत्रिय एकता परिषद भी इसमें नॉमिनेट हो चुका है और सारे के सहयोग से एक भारतीय स्वर्ण महासंघ के द्वारा जमुई के गांधी मैदान में बहुत बड़ा महारैला का आयोजन किया गया है। और यह महारैला में मुख्य मुद्दा SC ST एक्ट हो, आरक्षण का मामला हो, जातिवाद को खत्म करते हुए जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। और जो सरकार का काला कानून है उसका हम लोग विरोध करेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इससे भी बहुत बड़ा कदम होगा। अगला कदम होगा कि हम लोग गांधी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे पटना के गांधी मैदान में, और बहुत जल्द ये भी निर्णय लेने वाले हैं। यदि सरकार बात नहीं मानती है हम लोगों का तो हम लोग व्यापक रूप से इसका पकड़ेंगे और लगातार अपना कार्यक्रम और को अंजाम देते रहेंगे। और भारतीय स्वर्ण महासंघ आने वाले दिन में और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करेगी और जमुई का जो महारैला है बहुत ही ऐतिहासिक और पूर्ण है। अपना परिचय बता दें। संगठन सारे लोग इसमें इन्वाइट हैं और जुड़े हुए हैं। आ रहे अपना पूरा परिचय बता। मेरा नाम नितेश कुमार सिंह हुआ और क्षत्रिय एकता परिषद और भारतीय स्वर्ण महासंघ का प्रवक्ता हूँ।